हाँ बिल्कुल जी सपना, आपने देखिए जांच एजेंसी और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पुलिस और दुबई पुलिस और भारतीय जांच एजेंसी सौरभ चंद्राकर के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि देखिए उसका राइट हैंड और महादेव ऐप का प्रमोटर जो है रवि उपल जो उसका राइट हैंड माना जाता है, और सारी ट्रांजेक्शन जो हिंदुस्तान में होती है और खासकर जो छत्तीसगढ़ में जो सारी ट्रांजेक्शन होती थी उसका पूरा ब्यौरा सिर्फ रवि उपल रखता था। और ये बताया जा रहा है कि जब इनके ऊपर मामले दर्ज हुए थे तो रवि उपल और सौरभ चंद्राकर की फैमिली एक साथ भारत से भागने में फरार हो गई थी। सबसे पहले वो दुबई गए, दुबई में उन्होंने वहाँ पर सेटलमेंट किया, दुबई में रहने के बाद वो अलग अलग जगह पर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर ईडी ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा हुआ है, रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू हो चुका है। उसी की मदद से आज कल देर रात रवि उपल को दुबई में डिटेन किया गया है, और अभी जानकारी मिल रही है कि भारत ने उसकी पहचान को कंफर्म किया है, जिसके बाद दुबई पुलिस ने रवि उपल को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो है एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस पूरी तरह से शुरू हो चुका है, और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द रवि उपल को बहुत जल्दी भारत लाया जाएगा। और रवि उपल की पूछताछ में पता चला है कि सौरभ चंद्राकर और कहीं नहीं बल्कि यूएई में ही छुपा बैठा है। तो भारतीय जांच एजेंसी को उम्मीद है कि जिस तरीके से रवि उपल की गिरफ्तारी हुई है, बहुत जल्द सौरभ चंद्राकर की भी गिरफ्तारी होगी। आपको बताना चाहिए कि महादेव बेटिंग ऐप एक्चुअली है क्या। महादेव बेटिंग ऐप ये इलीगल तरीके से बेटिंग ऐप बनाया गया था, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग ऐप बनाए गए थे जो भारत में पूरी तरीके से अवैध है। बताया जा रहा है कि 27,000 करोड़ का ये पूरा बिजनेस है, और आप अंदाजा लगाइए कि इस बेटिंग ऐप में हर जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो सबकी इलीगल बेटिंग होती थी, और इसी वजह से कई बड़े सितारे बॉलीवुड के ईडी के रडार पे भी थे, जिसमें से कई लोग को समन्स भेजे गए थे ईडी महादेव ऐप को प्रमोट करने के आरोप में। अब जो है ईडी बहुत चिकंचा कसता जा रहा है, रवि उपल भारत आएगा तो माना जा रहा है कि बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिनमें कई बड़े नामों ईडी खुलासा कर सकती है, क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं कि महादेव बैटिंग एक्ट में किस किस ने पैसा लगाया है, किस किस ने पैसा लिया है, उसकी पूरी जानकारी रवि उपल को है। रवि उपल जो आएगा, ठीक है विवेक, मैं लौट रहे हैं आपके पास में, दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि महादेव गेमिंग ऐप मामले में गिरफ्तारी सौरभ चंद्राकर के करीबी रवि उपल की हो गई है। रवि उपल एक बहुत बड़ी कामयाबी है जांच एजेंसियों के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि रवि उपल भी उसी तरीके से इस ऐप से जुड़ता है, और दोनों बराबर के हकदार हैं इस ऐप के, दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं। जैसा सौरभ चंद्राकर का बैकग्राउंड रहा कि एक जूस कॉर्नर लगाने वाला, एक जूस बेचने वाला शख्स कैसे ठगी करके, कैसे धांधली करके महादेव बेटिंग ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करता है, उसी तरीके से रवि उपल भी ऐसे ही कुछ बैकग्राउंड से आता है, और दोनों यूएई में अपना ठिकाना बनाते हैं।